इस वक्त मैं जा रहा हूँ स्पेन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बैग जो है, एक छोटा बैग जो है पैक कर लिया, और साथ में लैपटॉप। ये दो चीज़ें ही जाएंगी बिकॉज डोमेस्टिक टूर है, इंटरनेशनल नहीं है, यूरोप के अंदर ही है। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉर वेकेशंस फॉर 1 वीक बिकॉज आई फाउंड अ टाइम, फ्री टाइम। सो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को जो है अच्छी तरह स्पेंड किया जाए। तो मुझे काफ़ी अरसे से जो है एक दोस्त इन्वाइट कर रहे थे। एक्चुअल में ये शहजाद के भाई हैं जो स्पेन में होते हैं, तो काफ़ी अरसे से वो मुझे इन्वाइट कर रहे थे। जब से मैं इटली में हूँ तो मैं नहीं जा पाया स्पेन। मैंने सोचा कि अभी टाइम है थोड़ा, क्यों ना स्पेन जाया जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम जो कि यूरोप घूमने का, ये अच्छा टाइम है। समर्स में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। तो अभी मैं अपने सफ़र का आगाज़ करने लगा हूँ, तो मिलते हैं आपको एयरपोर्ट। Which is on CBS TV, is not your destination. Please ensure yourself to the cabin crew. Please move the cabin as quickly as possible and take your allocated seat. As your seat has been allocated to comply with and balance rules, so for your safety, you must occupy your seat. So small bag to display just under the seat in front of you. With the exception of passengers, seat and emergency exit, which are all 16, 17. इस वक्त जहाज़ में आके बैठे ही थे और जहाज़ तकरीबन जो है उड़ने वाला था, तो भाई बहुत ज़्यादा जो है तेज़ तूफान आया हुआ था और बर्फ़ भी, ओले जिनको बोलते हैं, बर्फ़ भी पड़ी है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि एकदम से जो है अंधेरा छा गया, पूरा आसमान काला हो गया। और आपको आवाज़ आ रही होगी कि कितनी, मतलब कितने ज़्यादा ओले गिर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड हूँ इसमें। इस वक्त रात के जो है 2 बज रहे हैं और फ़्लाइट जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है डिले हो गई थी। बोलोनिया से मैंने इधर आना था स्पेन के लिए, तो 3 घंटे तकरीबन डिले रही है फ़्लाइट बिकॉज़ एक औरत थी जो सिगरेट पी रही थी जहाज़ के वॉशरूम में, तो उसको पकड़ने के लिए जो है ना पुलिस आई हुई थी। तो वो काफ़ी जो है ना लंबा प्रोसीजर था और 3 घंटे जो है ना लेट हो गई थी। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं स्पेन में, लेकिन काफ़ी देर से पहुंचा हूं और इस वक्त कोई बस नहीं है जिस सिटी मैंने जाना है। तो अभी शायद पूरी रात मेरी ऐसे ही बाहर गुजरेगी। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं एक फाउंटेन और फाउंटेन के पास बैठा हुआ हूं और रात के जो है नज़ारे ले रहा हूं। बस हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। तो होटल मैंने ढूंढने की कोशिश की, इधर नज़दीक में तो कोई होटल नहीं है अब, और कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा कि जिसे इन्फॉर्मेशन ले ली जाए ताकि बंदा चलो रात को जो है स्टे कर सके आराम से। लेकिन लेट्स सी, क्योंकि बस सुबह 8:30 बजे की है और मुझे सुबह 8:30 बजे तक फिर ऐसे ही टाइम जो है ना गुजारना पड़ेगा। इस वक्त रोड भी जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मुझे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है बिकॉज़ मेरा एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब एक रात मैंने स्टे की थी, वो भी स्पेन में ही था। वो भी एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी स्पेन से इटली के लिए, तब मैं स्वीडन से आ रहा था। तो मैं पूरी रात तकरीबन जो है ना स्पेन में मैड्रिड एयरपोर्ट पर जो है ना मैं रुका था। रुकने का तो मुझे कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बर्दाश्त से बाहर है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस वक्त एनर्जी मुझे ना कम लग रही है। तो इस वजह से थोड़ा ना ठंड की वजह से थोड़ा मतलब ऐसे ढीला पड़ा हूँ, और दूसरे नंबर पे नींद भी जो है ना वो पूरी नहीं हुई, तो इस वजह से सोने भी नहीं हो रहा। कोशिश कर रहा हूँ सोने की, लेकिन बंदा सोए भी तो क्या सोए, मतलब सामान है साथ में और उसकी टेंशन रहती है फिर इस वजह से। बहरहाल कोई नहीं, टाइम गुजर रहा है, टाइम तकरीबन अभी हो चुका है 3:30 हो चुके हैं। तो जो बस स्टॉप है, आई मीन जहाँ से मैंने बस लेनी है, वो तकरीबन खुलता है 6 बजे। तो ठंड है वैसे, बस यही है, ठंड है बहुत ज़्यादा। बस स्टेशन जो है वो ओपन तो हो गया, लेकिन बस स्टेशन ये कम लगता है और कोई म्यूज़ियम मुझे ज़्यादा लग रहा है बिकॉज़ यहाँ पे आर्ट और कल्चर के मतलब दिलचस्प मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। दीवारों पे बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग, मतलब हाथ का काम हुआ हुआ है, तो
तो मुझे ये किसी भी एंगल से जो है वो बस स्टेशन तो नहीं लग रहा, लेकिन म्यूज़ियम ज़रूर लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे उन्होंने जो है सिटी की पूरी मैपिंग की हुई है, पूरा नक्शा जो है ना इस शहर का, जितना भी सारा नक्शा वो सारा इन्होंने मैपिंग की सूरत में जो है यहाँ पे आपको पीछे पूरी इंफॉर्मेशन इस सिटी की मिल जाएगी। जो जो कैनाल्स हैं सिटी में, जो जो मतलब मोनूमेंट्स हैं, वो सारी जो है इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे मतलब पूरा मैप दिया हुआ है इन्होंने। तो वाकई ये किसी म्यूज़ियम से काम नहीं है यार, ये बस स्टॉप तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता। लेकिन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। जितना थका हुआ था, थकावट एकदम से दूर होगी। पूरी रात का बाहर बैठा हुआ था, तो अभी शुक्र किया कि ओपन हुआ है गेट, तो मुंह धोया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा मुंह जो है ना इस वक्त गीला हुआ हुआ, तो अभी मुंह धोया है, थोड़ा अपने आप को फ्रेश किया। और वैसे भी अंदर आते ही ना मैं थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, अब थोड़ा रिलैक्स हूँ। तो खूबसूरती देख के, बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस बस स्टॉप, मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा। पहली दफ़ा ऐसा कोई मैंने बस स्टॉप देखा है, अमेजिंग। सो बेसिकली मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि जिस डेस्टिनेशन पे मैंने पहुंचना था वहां पे पहुंच चुका हूं, और अभी तकरीबन मुझे 5-6 घंटे हो गए यहां आए हुए। तो सो गया था आगे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और शाम को भी नहीं सोया। तो आते ही मैंने सबसे पहले जो है रेस्ट की है, और अभी उठ के जो है ना नहा धो के फ्रेश हो के और उठ के बैठ गया हूं। तो गर्मी यहां पे भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सराउंडिंग में चूँकि समंदर है तो उस साइड पे थोड़ा व्यू अच्छा है, थोड़ा सा मतलब बेहतर है। लेकिन गर्मी यहाँ पे भी जो है ना पीक लेवल पे, तो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, और अभी कोई थकान जो है ना बेहतर हुई है। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मुझे इलाका ये लग रहा है, बिकॉज़ ये बाकी स्पेन से थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर करता हूँ मैं यहाँ पर। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करेंगे, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।